हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर रविदत्त वर्मा। गाइस, मैं आज जा रहा हूँ बोरीवली से विरार वजेश्वरी। गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए और गाइस मैं आपको भी दिखाऊंगा। गाइस, वो टेंपल बहुत खूबसूरत मंदिर है गाइस, और वहाँ पे 7 कुंड है गाइस। हर कुंड में मतलब ना गाइस, पानी किसी में गर्म, किसी में कम ठंडा ऐसा है गाइस। और वहाँ पे वो ऑटोमेटिक पानी आता है गर्म। और नदी है, नदी के बीच में पूरा नदी का नदी है, और नदी के बीच में कुंड बनाया हुआ है। जबकि गाइस वो पानी इतना ठंडा है नदी, और उसके बीच में जो कुंड बनाया है इतना पानी गर्म है, सोचने वाली बात है गाइस। और ऐतिहासिक मंदिर है गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक मेरे वीडियो को देखना गाइस। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। चले गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको डायरेक्ट अभी वजेश्वरी जाके मिलता हूँ गाइस। गाइस, ये अपना भाईंदर और नायगांव का नया वाला पुल बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बना दिया ये रास्ता। अभी आप यहाँ से यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। जो ट्रैफिक होता था अभी काफ़ी मतलब ट्रैफिक अभी कम हो गया गाइस। अभी यहाँ पे ये भी सी ब्रिज, नया वाला फ्लाईओवर बन गया गाइस। पुराना वाला जो ब्रिज था बहुत ज़्यादा ख़राब था अभी, मगर नया ब्रिज बना दिया है ना, बहुत खूबसूरत बना दिया है गाइस। यहाँ से आप ऊपर का नज़ारा देख सकते हो। चले गाइस, वीडियो में बने रहिए। फाउंटेन पार करके अपना नायगांव अभी पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से डायरेक्टली गाइस अभी मैं आपको वजेश्वरी मंदिर मिलता होगा गाइस, वो विरार में है, विरार वसे के बीच में। वजेश्वरी मंदिर आए हैं, देख सकते हैं मंदिर सामने, यहाँ पे मंदिर है। नीचे सारा आपको शॉप मिल जाएगा, दुकान, हार फूल अगर लेना रहेगा मंदिर में मतलब चढ़ाने वगैरह। चले गए मंदिर में, चलते ऊपर। ये जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, ऊपर की तरफ चलना है, ऊपर मिलते हैं आपसे दोस्तों। सो गाइस, ये मेरा फ्रेंड रवि अंदर जा रहे हैं, आ गए हम ऊपर की तरफ जाने के लिए। तू क्या सबके साथ जाएगा? अंदर चले गए दोस्तों हम, कि हमने एंट्री कर ली यहाँ पे। और एंट्री करते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पे, कि गाइस हम लोग अभी मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए गाइस। अभी सबसे पहले हम देखते हैं गाइस, यहाँ पे शेर बनाया हुआ है, शेर जी की मूर्ति है, और सामने देवी जी है, देख सकते हो गाइस। और गाइस आप लोग भी यहाँ से मतलब दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा साइड मतलब कैमरा गाइस ना शायद अलाउड नहीं अंदर, तो मैं आपको यहाँ से दर्शन करा देता हूँ गाइस। वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए, देख सकते हो गाइस यहाँ से। ये वजेश्वरी देवी जी देवी टेंपल है, मतलब वजेश्वरी देवी टेंपल है गाइस, यहाँ मंदिर है उनका गाइस। अंदर कैमरा अलाउड नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट अभी दर्शन करने के बाद आपको मैं बाहर मिलता हूँ गाइस। अभी मैं मंदिर के अंदर से दर्शन करके बाहर आ गया, देख सकते हो गेट है मंदिर का, ऐसे बाहर आ गया, उनका बाहर का नज़ारा देख सकते हो। चलिए गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी यहाँ से मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ गाइस। गाइस अभी मैं मंदिर के अंदर से दर्शन करके बाहर आ गया हूँ गाइस। यहाँ पे भी बाहर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे टेंपल बनाए गए गाइस, मंदिर छोटे छोटे। यहाँ पे शंकर भवन का भी मंदिर है गाइस, देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप।
और गाइस यहाँ से अभी मैं आपको मतलब बैक कैमरे से अभी गाइस मैं वहाँ का बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ गाइस, जहाँ से अभी हम लोग ऊपर आए थे मंदिर के अंदर। बहुत खूबसूरत है गाइस मंदिर, यहाँ पे जरूर आप एक बार आके विजिट कीजिए, मतलब एक बार आप आइए ज़रूर गाइस। अगर यहाँ पे अगर आप आसपास में रहते रहेंगे तो यहाँ से अब हम लोग नीचे से आए थे गाइस यहाँ पे मंदिर के अंदर, और बहुत यहाँ पे सुकून मिलता है गाइस। यहाँ पे गाइस यहाँ पे अभी आप देख सकते हो गाइस ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कुंड बनाए गए गाइस, इसके अंदर पानी गर्म है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो नदी है, नदी के बीच में यहाँ पे चार कुंड बनाया गया गाइस, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और गाइस ये 5-6 फुट पानी अंदर है गर्म, और गाइस ऑटोमेटिक पानी वो गर्म आता है गाइस। और सोच सकते हैं कि गाइस आजू बाजू पूरा नदी है, पूरा नदी का पानी बह रहा है, नदी का पानी इतना ठंडा है मगर कुंड का पानी इतना गर्म है गाइस। आप हाथ लगाएंगे ना इधर पानी को इधर चटका लगेगा हाथ में आपके। और गाइस अगर आप आलू अगर डाल देंगे कच्चा आलू तो पक्के 2 मिनट में बाहर आ जाएगा गाइस, चावल को डाल देंगे तो चावल भी पक्के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, नहा रहे गाइस, और पानी आपको लगता रहेगा बहुत गंदा मगर गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ पानी, मतलब छू के दिखाता हूँ पानी कितना साफ है गाइस। अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। गाइस अभी मैंने आपको वहाँ पे 3 कुंड दिखा दिया, अभी यहाँ पे अभी मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, वहाँ पे 4 कुंड है गाइस देख सकते हैं, वहाँ पे 3 यहाँ पे, बहुत सारे लोग गाइस यहाँ पे नहा रहे हैं। वो बाजू गाइस साईं बाबा का मंदिर, यहाँ पे इतनी बड़ी नदी है गाइस, मगर सोच सकते हैं कि नदी का पानी इतना ठंडा, और यहाँ पे जितना जो कुंड बनाया गाइस हर एक कुंड में पानी गर्म गर्म है, मतलब नदी का पानी इतना ठंडा है और नदी के बीच में जो कुंड बनाया सोच सकते हो पानी उसके अंदर गर्म है, कैसे गर्म है, कहाँ से पानी आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, मगर बहुत खूबसूरत बनाया गाइस और ऐतिहासिक मंदिर है गाइस। यहाँ पे जरूर आप एक बार आके विजिट कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे गाइस, स्नान कर रहे। और गाइस अभी मैं आपको पानी चेक करके बताऊंगा पानी कितना गर्म है। पानी साफ नहीं है, साफ पानी है, गर्म है, गर्म है, मतलब सहने लायक है। सो फ्रेंड्स मेरा फ्रेंड ये कुंड में जा रहा है देखने के लिए कितना गर्म है, सो हाथ डाल के देखो यार, ये यार ये कैसा है, ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, सीरियसली दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म है ये पानी। अगर हम आप इसमें ना उबला आलू डालेंगे तो वो पककर ही बाहर आने वाला है। यार ये बहुत गर्म है, और ये देखिए आप कैसे नहा रहे हैं यहाँ पे सब। गाइस हम लोग अभी दर्शन करके मतलब मंदिर के बाहर आए तो वहाँ पे बहुत सारे शॉप थे खाने पीने के, गाइस अभी हम लोग वहाँ से नाश्ता करके गाइस अभी निकल के घर के लिए। अभी यहाँ से गाइस मतलब हाईवे से ना 15 किलोमीटर अंदर है गाइस मंदिर, और गाइस अभी हम लोग को 150 किलोमीटर भी जाना आना हो गया गाइस, मतलब 17 किलोमीटर घर से आना, फिर वहाँ से हाईवे से 15 किलोमीटर अंदर ही, मतलब टोटल समझ लो गाइस 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर गाड़ी हम लोग आना जाना होगा गाइस, 70 किलोमीटर गाइस अंदर है मतलब अगर आप बोरीवली से आ रहे। चलो गाइस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। गाइस अभी मैं मीरा रोड पहुँच गया हूँ गाइस, अभी यहाँ से गाइस बस अभी हम लोग घर पे अभी 5-10 मिनट में पहुँचेंगे गाइस। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।